अपने डैड को बता देता है कि शैन की बेबी का फादर मैं हूँ। डैड गुस्सा करके कहता है कि वो स्टूपिड तुम हो और मैं स्टूपिड का डैड, और वी उसे शैन से शादी करने के लिए कहता है। वीयू कहता है कि मैंने उसे शादी करने के लिए बोला था बट वो मान नहीं रही है। डैड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दोनों बातें करती रहती हैं। चीची की फ्रेंड कहती है कि कोई तुम्हारी शॉप खरीदना चाहता है। उसके आने पर वह कहता है कि मैं हैन हूँ। वीयू के डैड गुआन को ड्रंक करके जिंग के घर के बाहर लाते हैं। नॉक करने पर दोनों डर जाते हैं कि शायद कोई चोर है। डैड चले जाते हैं। जिंग आकर गुआन को हिट कर देती है। आइस पैड लगाने पर गुआन उसे ही देखता रहता है। जिंग उसे जाने के लिए कहती है बट गुआन जाने से मना कर देता है। मॉम कहती है कि तुमने उसे हिट किया, वो ड्रंक भी है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जिंग कहती है कि जब ठीक हो जाओ तो चले जाना। गुआन सैड होकर वहाँ से जाता है और शू रैक में वही जार देख कर वापस आकर लेट जाता है। जिंग आकर उसे कवर करके चली जाती है। डैड और शैन के आने पर गुआन चला जाता है और बाहर आकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे गुआन बेकरी आकर कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ इसलिए बाय बोलने आया था और चला जाता है। हैन बेकरी पर जिंग से मिलने आता है और मॉम को बताता है कि मैं जिंग का सीनियर हैन हूँ, अभी ताइवान वापस आया हूँ। वो शॉप ओनर से मिलाने लाता है। चीची जिंग को देख कर हेलो बोलती है। दोनों साथ में बातें करते रहते हैं। चीची फोटो क्लिक करके गुआन को भेज कर कहती है कि जिंग अपने सीनियर के साथ है। शैन से अपोजिट पार्टी का लॉयर मिलने आता है, कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शैन के गुस्सा करने पर वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो मेरी वाइफ सुसाइड कर लेती। शैन उसे बाहर निकाल देती है। हैन के बेकरी आने पर मॉम उसे बताती है कि जिंग तुम्हें पिछले 5 सालों से लाइक करती है और जिंग के आने पर उसे हैन के साथ भेज देती है। नेक्स्ट डे शैन का एक्स उससे केस डिस्कस करता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। शैन पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये केस हार जाऊँगा और उससे डबल पैसे लेकर आधे तुम्हें दे दूँगा। शैन के उसकी बात रिकॉर्ड करने पर वह गुस्सा करता है और हैन के आने पर चला जाता है। ग्रैंडमा जिंग के साथ टेम्पल आती हैं। शैन का एक्स आकर उससे रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए कहता है और उसके मना करने पर उसे हिट करता है। वीयू आकर उसे बहुत मारता है। उसके जाने पर वीयू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो कौन था। शैन बताती है कि वो मेरा एक्स था, वो मुझे हमेशा परेशान करता है। बॉल लगने पर ग्रैंडमा गिर जाती हैं, उनके हैंड में फ्रैक्चर हो जाता है। जिंग उनकी केयर करने के लिए कहती है। हैंग गुआन को बता देता है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। वीयू अपने डैड से हेल्प मांगता है। शैन के एक्स को अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ दिखाते हैं। वह पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। माफिया कहता है कि तुमसे कुछ बड़े लोग बात करना चाहते हैं। वहाँ वीयू के डैड होते हैं। वीयू को देख कर एक्स शॉक हो जाता है। माफिया कहता है कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। डैड कहते हैं कि कोई मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। माफिया कहता है कि कौन है वो। एक्स कहता है कि मुझे आपके बारे में पता नहीं था। वीयू कहता है कि शैन को परेशान मत करना और केस लॉ के अकॉर्डिंग लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा लाइसेंस बंद करा दूंगा, बाकी तुम खुद स्मार्ट हो। नेक्स्ट डे गुआन वापस आकर कहता है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंड महा बोलकर जिंग से केक बनाने के लिए कहती हैं। गुआन भी हेल्प करता है और जिंग को हंसाता रहता है। एक्स आकर शैन से केस डिस्कस करके उसकी सारी कंडीशन मान लेता है। शैन कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। एक्स कहता है कि तुमने इतने बड़े लोगों को मुझे डराने भेजा। शैन के पूछने पर वह कहता है कि यू गुआंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए बोला है और उसे केस खत्म करने के लिए कहता है। हैन और चीची को ऑफरेज में दिखाते हैं। जिंग और गुआन भी आ जाते हैं। गुआन के आने पर बच्चे उसे कमांडर इन चीफ बुलाते हैं। ओनर कहती है कि तुम हमेशा बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हो। गुआन सबको गिफ्ट देता है। एक गर्ल गुआन से कहती है कि मैं डबल खाना खा रही हूँ, प्लीज मेरा वेट करना। जिंग के रीजन पूछने पर वह कहती है कि मैं बड़ी होकर गुआन से शादी करूंगी। गुआन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वह गुस्से में चली जाती है। चीची बच्चों को गुआन और हैंग की टीम में डिवाइड होकर गेम खेलने के लिए कहती है।
सब लोगों को ईस्टर एग्स ढूंढने हैं। लास्ट एग चीची जिंके गले में डाल देती है। गुआन बाहर बैठा रहता है क्योंकि वो हार गया। हैन जिंक से बातें करता रहता है। गुआन दोनों को ढूंढता है। चीची कहती है कि हैन के चांसेस ज्यादा हैं, तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुमने जिंक को चीट किया था। गुआन दोनों को बातें करते हुए देखता है। हैन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जिंक सॉरी बोलकर कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और गुआन को वहाँ देखकर जाती है। गुआन आकर उसे रोकता है। जिंक पूछती है कि तुम वहाँ कब से खड़े थे। गुआन कहता है कि जब हैंग ने लव कन्फेस किया और तुमने रिजेक्ट कर दिया, तब से। जिंक कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। गुआन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो जार है और उसमें से एक बटरफ्लाई भी कम थी। जिंक कहती है कि तुम्हें कैसे पता। गुआन कहता है कि मैंने शूरैक में देख लिया था। जिंक के जाने पर वह रोकता है और जिंक के देखने पर हाथ हटा देता है कि मैं खुश हूँ, तुमने हैन को मना कर दिया। जिंक चली जाती है। घर पर जिंक पूछती है कि यहाँ एक ग्लास जार रखा था, वो कहाँ गया। मॉम कहती है कि वो तो मैंने रिसाइकल कर दिया, मुझे लगा वो बेकार है। जिंक कहती है कि कोई बात नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जिंक ग्रैंडमा से मिलने आती है। चीची भी वहीं होती है और जिंक से बात करने के लिए कहती है। चीची पूछती है कि क्या तुमने गुआन को माफ नहीं किया। जिंक कहती है कि अभी तक नहीं। चीची उससे बटरफ्लाई जार के बारे में पूछती है कि क्या वो खाली हुआ। जिंक कहती है कि मॉम ने पहले ही उसे रिसाइकिल कर दिया। चीची कहती है कि तुम उसे वापस नहीं लाई, इसका मतलब तुम गुआन से प्यार नहीं करती। जिंक कहती है कि ऐसा नहीं है। चीची ऑफिस में गुआन से मिलने आती है और उसे बताती है कि जिंक की मॉम ने वो जार रिसाइकल कर दिया। गुआन रिसाइकलिंग स्टेशन आकर जार ढूंढता है। और जिंक को वो जार देने आता है। मॉम कहती है कि तुमने तो बोला था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंक जार ले लेती है। गुआन सबको बाय बोलकर चला जाता है। जिंक उसके पीछे जाकर उसे ढूंढती है। गुआन कहता है कि क्या मुझे ढूंढ रही हो। जिंक उसके सामने सारी बटरफ्लाइज निकाल देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास एक चांस है। वीयू शैन को वॉक कराने लाता है और शैन को वहीं बैठाकर दौड़कर कहीं जाता है और उसके लिए शूज लेकर आता है कि अभी तुम्हें हील्स नहीं पहननी चाहिए। शैन पूछती है कि तुम ये कहाँ से लाए। वीयू कहता है कि मैंने पहले ही खरीद कर कार में रखे हुए थे, एक कम्फर्टेबल है ना। शैन के हाँ बोलने पर वे उसे वीकेंड पर शॉपिंग चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे शैन घर पर होती है। वीयू आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शैन के हाँ बोलने पर वीयू कहता है कि मॉम ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर से काम कर रही हो। तुम्हारी केयर करने के लिए मैंने भी लीव ले ली। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, तुम जाकर काम कर लो। शैन उसे सूप बनाते हुए देखती रहती है और कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वीयू और शैन शॉपिंग करने आते हैं। जिंक और हैन भी वहीं होते हैं। तभी जिंक को बाहर बुलाने की अनाउंसमेंट होती है। दोनों भी देखने जाते हैं। गुआन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। जिंक बिना कुछ बोले चली जाती है। गुआन सैड होता है और ऑफिस में ओवरवर्क करता रहता है। तभी उसके पास हैन का कॉल आता है। हैन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जिंक ने तुम्हें देने के लिए बोला है। गुआन आ जाता है। हैन कहता है कि अगर तुम जिंक को लेकर सीरियस नहीं हो तो उसे छोड़कर चले जाओ और उसे गिफ्ट दिखाता है। गुआन कहता है कि इसका मतलब उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हैन कहता है कि क्या पता वो ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट वापस कर रही हो। तभी कोई आकर गिफ्ट लेकर भाग जाता है। गुआन उसे पकड़ लेता है। हैन को देखकर गुआन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैन उसे जिंक के पास लेकर जाता है। गुआन जिंक को देखकर उसके पास आता है। जिंक कहती है कि मुझे पता है तुमने मुझे मनाने के लिए सब कुछ किया, मेरी फैमिली को खुश रखा, बिजी होते हुए भी डैड के साथ बेकरी में हेल्प की,
अगर तुम अब पीछे हट गए तो मैं दोबारा तुम्हें अपना हार्ट नहीं दे पाऊंगी। गुआन उसे किस कर लेता है। और कहता है कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तीनों ने साथ देखकर खुश होते हैं। शान व्यू से शादी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट शान की तबीयत खराब होने पर वह घर आती है। उसे ब्लीडिंग होने पर डैड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर वापस आने पर जिंग पूछती है कि क्या हुआ। डैड बताते हैं कि शान का बेबी अब नहीं रहा। शान व्यू को मिलने बुलाती है और उसे बता देती है कि हमारा बेबी अब नहीं रहा। व्यू शॉक हो जाता है। शान कहती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने ओवरवर्क किया और अपना ध्यान नहीं रखा। व्यू से शादी करने से मना करके कहती है कि अब हम फ्रेंड्स हैं। व्यू सैड हो जाता है और घर आकर अपने डैड से कहता है कि शान की फ्रेंड बोलने पर मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, अब मैं क्या करूँ। डैड कहते हैं कि अपने आप से पूछो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे व्यू और डैड शान के घर पर होते हैं। व्यू शान से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। शान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं बनना चाहते। व्यू कहता है कि मुझे फ्रेंड नहीं बनना। और उसे रिंग दिखाकर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शान कहती है कि अगर मैं तुमसे प्यार ना कर पाई तो। व्यू कहता है कि वो मैं खुद हैंडल कर लूंगा। शान मान जाती है। व्यू से रिंग पहनाकर हग कर लेता है। तुम्हें मुझे प्यार कराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले ही प्यार करती हूँ। व्यू से किस कर लेता है। जिंगो गुआन के घर पर दिखाते हैं। पजल सॉल्व करने पर उसे पता चलता है कि वो टेरेस पर है। जिंग के आने पर गुआन उसे गुआन फैमिली का ब्रेसलेट दिखाकर कहता है कि ग्रैंडमा ने अपने डॉटर इन लॉ को देने के लिए भूला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिंग के हाँ बोलने पर वह ब्रेसलेट पहना देता है। जिंग कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी पर तुमने पहले ही कर दिया। जिंग भी प्रपोज कर देती है। दोनों रिंग्स पहना देते हैं। गुआन जिंग से कहता है कि मैं एक साल में थाईलैंड में बिजनेस सेट करके वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। अब दिखाते हैं एक साल बाद का सीन। गुआन ने थाईलैंड में बिजनेस सेट कर दिया है, आज प्री वेडिंग शूट होना है, बट ट्रैफिक जैम की वजह से गुआन वहीं फंस जाता है। व्यू को कॉल आने पर वह उसे थोड़ी देर हैंडल करने के लिए कहता है। दोनों के पूछने पर व्यू कहता है कि वो बाथरूम में है। दोनों चेक करने आती हैं। गुआन आ जाता है। फोटोशूट भी स्टार्ट हो जाता है। जिंग कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट हुए तो मेरे डैड तुमसे मेरी शादी नहीं कराएंगे, आज वेडिंग है। गुआन को रास्ते में दिखाते हैं, आगे एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जैम है। गुआन कहता है कि फिर से, और दौड़कर जाने के लिए कहता है। गुआन व्यू को कॉल करके बता देता है। व्यू डैड को बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है। जिंग सुन लेती है। गुआन को रास्ते में दिखाते हैं। जिंग उसे लेने आती है। गुआन कहता है कि मैं तब से दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि लेट होने पर तुम्हारे डैड मुझे तुमसे शादी करने नहीं देंगे। जिंग उसे किस करके रिलैक्स रहने के लिए कहती है। दोनों को बाइक पर जाते हुए दिखाते हैं। गुआन कहता है कि हम टाइम पर शादी कर रहेंगे।